हाय, माय नेम इज विकास चक्रवर्ती। आज जो जो क्वेश्चन को लेकर हम लोग आए हैं वो किससे रिलेटेड है? पास्ट एडजस्टमेंट में। उसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन है क्या? मोना, निशा एंड प्रियंका आर पार्टनर इन ए फर्म। दे कंट्रीब्यूट 50,000 ईच एज कैपिटल देयर 3 ईयर एगो। एट दैट टाइम प्रियंका एग्री टू लुक आफ्टर द बिजनेस एज मोना एंड निशा वेयर बिजी। द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 ईयर where rupees 15,000, 25,000 and 50,000 will going to the book of the account. Mona noticed that the profit had been distributed in the ratio of 1:1:2. When they inquired from the Priyanka about this, Priyanka answered that since she looked after the business, she should get more profit. Mona disagreed and it was decided to distribute profit equally respectively for the last 3 years. Okay, first condition A, you are required to make necessary correction in the book of the account of Mona, Nisha and Priyanka by passing the adjustment entry. And number 2, yani B part, identify the value which was not the participated in Priyanka with the distributing the profit. अब क्वेश्चन में क्या था? मोना, निशा एंड प्रियंका तीन पार्टनर हैं जिन्होंने 50,000 ईच, यानी मोना ने भी 50,000, निशा ने भी 50,000 एंड प्रियंका ने भी 50,000 पैसा लगाया हुआ है। अब दोनों सबने जो लगाई हुई है अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसको बिजनेस कौन हैंडलिंग कर रहा है? प्रियंका हैंडल कर रही है, यानी प्रियंका ने पूरा किया और मोना और निशा अदर वर्क में बिजी है। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो लास्ट 3 ईयर की जो प्रॉफिट थी, फर्स्ट ईयर था 15,000, सेकंड ईयर था 25,000 एंड थर्ड ईयर था 50,000। इस प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जो मोना ने नोटिस किया कि किस रेशियो में, 1:1:2 के रेशियो में, जब उसने प्रियंका से आस्क किया तब उसने प्रियंका ने कहा कि जो मैक्सिमम बिजनेस कौन हैंडल कर रहा था? प्रियंका, इसलिए मैक्सिमम प्रॉफिट उसने लिया। मोना ने क्या की, डिसएग्री थी और उसने क्या कहा कि प्रीवियस 3 ईयर से जो प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन हुआ है वो किस हिसाब से होना चाहिए? इक्वली 1:1:1 से। अब इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करना है और एक उसके बाद वैल्यू भी बतानी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमने पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके रखा हुआ है, देखिए कैसे है। अब देखिए, इनकी जो प्रॉफिट थी, इनकी प्रॉफिट थी फर्स्ट ईयर में 15,000, सेकेंड ईयर में 25,000 एंड थर्ड ईयर में था 50,000। अगर टोटल करते हैं तो कितना था यहाँ पे? 90,000। इस थर्ड ईयर में ये तीनों साल को मिलाया तो कितने साल की कितना अमाउंट आ गया? 90,000, जो इन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। किस रेशियो में? 1:1:2 के रेशियो में, यानी 1:1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया इसको, तो 22,500 जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, तो उसको जब भी हम लोग रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो ऑलरेडी क्रेडिटेड हो चुका था, तो उसको सही करने के लिए क्या पे करेंगे? डेबिट में। तो डेबिट में किया 22,500 एंड 45,000। मोना के डेबिट में 22,500, निशा में 22,500 एंड प्रियंका में 45,000। टोटल कितना आ गया? 90,000। अब होना क्या चाहिए था? इक्वली इन्होंने डिसाइड किया, इक्वली सेम इसी अमाउंट को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। मोना में 30,000 डिवाइडेड बाय 3 किया था, ईच पार्टनर का कितना आया? 30,000। अब उन्होंने देखा कि मोना को जो पहले मिल चुका था कितना मिला हुआ था? 22,500, लेकिन एक्चुअली मिलना कितना चाहिए था? 30,000। तो डिफरेंस अमाउंट कितने से है? 7,500 और उसको मिलना होगा, तो इसके लिए क्या हो गया? वो क्रेडिट। सेम एक प्रोसेस निशा के साथ भी है, पहले मिल चुका था 22,500, लेकिन एक्चुअली मिलना कितना चाहिए था? 30,000। कितना कम मिला? 7,500, यानी एक्स्ट्रा और क्रेडिट होगी 7,500। प्रियंका को पहले कितना मिल चुका था? 45,000, लेकिन मिलना कितना चाहिए था? 30,000, यानी एक्स्ट्रा मिल चुका था, तो उसके अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया 15,000। अब पार्टनरशिप फॉर्म हमेशा इक्वल, तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या हो गया? प्रियंका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोना कैपिटल अकाउंट और टू निशा कैपिटल अकाउंट। प्रियंका में 15,000, मोना कैपिटल में 7,500 एंड निशा में 7,500। क्या हो गया? बींग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एडजस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो उसके कंडीशन में ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यहाँ पे और क्या करना है? उनकी वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू में क्या क्या हो सकता है? पहला हॉनेस्टी, सेकेंड रॉयल्टी, थर्ड ट्रुथफुलनेस, ट्रुथफुल म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी ये सब वैल्यू है। मिनिमम 2 वैल्यू देने होते हैं, तो अगर 2 या 3 है उस हिसाब से आप दे सकते हो। अब इसके बाद जो हम और जो प्रॉब्लम लेके आएंगे वो किससे रिलेटेड रहेगा? पार्ट्स एडजस्टमेंट से रिलेटेड रहेगा। ओके, अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। थैंक यू।